लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए दिया हुआ है कि ए बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो ए मान लीजिए -2 -2 है और बी है 2 -4, तो हमें पी फाइंड करना है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, या ए बी को इधर ले आए तो आ जाएगा ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। देखिए ए पी यहां से यहां तक है, ए पी बाई ए बी ये पूरा पूरा दिया हुआ है, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7, और हम जो एम रेशियो एन जानते हैं वो ए पी रेशियो पी बी जानते हैं, तो ए पी रेशियो पी बी क्या होगा वो निकाल लें। देखिए ये 3 है और ये पूरा 7 है तो ये 4 हो जाएगा, तो मीन्स ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4, यही ध्यान देना है। तो 3:4 कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सीधे इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, सब कुछ जानते हुए गलती कर जाते हैं। तो 3/7 3:7 है, लेकिन ये ए पी रेशियो ए बी दिया है, ए पी रेशियो पी बी देता तब तो डायरेक्ट यूज कर लेते, ए पी रेशियो ए बी दिया है तो हम पी बी निकाल लिए, पी बी आ गया 4, तो ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 3:4, तो एम रेशियो एन मालूम हो गया 3:4, ए मालूम है -2 -2, बी मालूम है 2 -4, तो एक्स वाई पी का क्वाड्रेंट हम मान लिए निकालना है, जो एक्स वाई मान लिए तो एक्स का फार्मूला होता है mx2 + nx1 / m + n, एम की वैल्यू देखिए 3 है और इसको मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, तो mx2 मतलब आपका हुआ 3 × 2 + 4 × -2 / m + n, मतलब 3 + 4, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6 - 8/7, 6 - 8 हो गया क्या -2/7, तो x की वैल्यू आ गई -2/7। इसी तरह y निकाल लें, y होता है my2 + ny1 / m + n, m है 3, y2 है -4, तो 3 - 4 + n है 4 × y1 है -2/3 + 4, तो 3 - 4 - 12, 3 × -4 - 12, और 4 × 2 = 8 - 8, तो -12 - 8/7 दैट इज -20/7, तो y की वैल्यू आ गई -20/7 और x है -2/7, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो हो जाएगा -2/7 और -20/7, यही आपका p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 2 एंड बी 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे देखिए ए और बी दिया हुआ है, ए है -2 2 और बी है 2 8, इसको हमको फाइंड करना है पॉइंट जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ऐसा एक क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं 3 इक्वल पार्ट्स वाला, तो इसको हम मान लीजिए पी क्यू आर जो है 3 पॉइंट्स हैं जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये 1 मान लिए, ये 1, ये 1, ये 1, सब बराबर हो जाएगा। तो P के लिए देखिए, P के लिए ये 1 हो जाएगा और यहां से यहां तक 3, तो फॉर P M रेशियो N हो जाएगा 1:3, और फॉर Q, Q के लिए 2:2, यहां से यहां तक 2 और ये भी 2, तो 2:2, और R के लिए जो रेशियो होगा ये देखिए 3 और यहां 1, तो 3:1, तो ये M रेशियो N निकालकर फिर X1 Y1 X2 Y2 ये ले लेंगे आप, इसको मान लेंगे X1 Y1 और ये हो जाएगा X2 Y2, और M रेशियो N P के लिए 1:3, तो P के लिए देखिए P के लिए M रेशियो N हो गया 1:3, फार्मूले में बैठा दें, X की वैल्यू होगी mx2 + nx1 / m + n, M है 1 और X2 है 2, तो 1 × 2 + n है 3 और X1 है -2, तो 3 × -2 / m + n मीन्स 1 + 3, तो हो गया 2 - 6/4 या -4/4 दैट इज -1, तो X की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू देखिए, y है my2 + ny1 / m + n,
एम वन है और वाई टू एट, वन इंटू एट प्लस थ्री इंटू टू बाई वन प्लस थ्री, एट प्लस सिक्स बाई फोर दैट इज फोर्टीन बाई फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू जा फोर, तो सेवन बाई टू। तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस वन एंड सेवन बाई टू, तो माइनस वन सेवन बाई टू, ये पी आ गया। अब क्यू इसी तरह निकाल लें, तो फॉर क्यू एम रेशियो एन जो होगा टू इज टू टू, क्योंकि क्यू के लिए जो है देखिए टू यहां से यहां तक टू हुआ और टू, ये जो है आप देखिए क्यू यहां है तो क्यू के लिए ये टू हुआ और ये टू हुआ, तो टू इज टू टू। तो एक्स निकाल लें वैसे ही एम एक्स टू, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, एम है टू और एक्स टू है टू, तो टू इंटू टू प्लस एन भी टू है और एक्स वन है माइनस टू, तो टू इंटू माइनस टू बाई एम प्लस एन मतलब टू प्लस टू, तो फोर माइनस फोर बाई फोर दैट इज जीरो बाई फोर, जीरो आ गया। वाई इसी तरह से एम वाई टू, तो टू इंटू एट प्लस एन वाई वन, टू इंटू टू बाई एम प्लस एन टू प्लस टू, तो सिक्सटीन प्लस फोर बाई फोर, तो ट्वेंटी बाई फोर दैट इज फाइव, कैंसिल किए तो फाइव आ गया, तो जीरो फाइव। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया जीरो फाइव। इसी तरह से आर के लिए देखिए, फॉर आर एम रेशियो एन क्या हो जाएगा, थ्री इज टू वन, थ्री इज टू वन हो जाएगा। तो एक्स निकाल लिए, थ्री एम है और एक्स टू है टू, तो थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो सिक्स माइनस टू बाई फोर, फोर बाई फोर दैट इज वन, एक्स की वैल्यू वन आ गई। और वाई इसी तरह से थ्री इंटू एट प्लस वन इंटू टू बाई एम प्लस एन, थ्री प्लस फोर, तो ट्वेंटी फोर प्लस टू बाई फोर दैट इज ट्वेंटी सिक्स बाई फोर, टू से कैंसिल किए थर्टीन बाई टू आ गया, तो वन एंड थर्टीन बाई टू आर का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसीलिए जो है आपको विच डिवाइड लाइन सेगमेंट इंटू फोर इक्वल पार्ट्स में जो है पॉइंट्स जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस वन सेवन बाई टू एंड जीरो फाइव एंड वन थर्टीन बाई टू आर द पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। इसको मिड पॉइंट से भी बना सकते हैं, इन इस तरह रेशियो से ही बनाए। अगला है क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3045 माइनस 14 एंड माइनस 2 माइनस 1 टेकन इन ऑर्डर। तो ये चारों वर्टिसेस दिया है रोम्बस का ए बी सी डी, ए का 30, बी का 45, बी सी का माइनस 14 और डी का माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए अब क्योंकि रोम्बस का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1 बाई टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स 1 बाई टू ए सी इंटू बी डी। तो ए सी का लेंथ निकाल लें और बी डी का निकाल लें और फार्मूले में बैठा दे, तो ए सी, तो ए सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करें क्योंकि डिस्टेंस यूज निकालना है आपको ए सी। तो ए सी का जानते हैं आप डिस्टेंस फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ए सी निकाल लिए उसी तरह से, एक्स टू देखिए इसको मान लिए हम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू हो जाएगा माइनस वन और एक्स वन हो जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4 और y1 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 रूट 32, या इसको कह सकते हैं 4 रूट 2। इसी तरह bd आप निकाल लें, अब ये b और d, bd है, b है 45 और d है माइनस 2 माइनस 1, तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। तो देखिए क्या आ गया, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट ओवर, तो रूट ओवर 36 प्लस 36 दैट इज रूट ओवर 72 दैट इज इक्वल टू 6 रूट 2। ये बी डी आ गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ए सी इंटू बी डी। ए सी है 4 रूट 2, बी डी है 6 रूट 2, इसको सिंप्लीफाई किए 4 6 या 24 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 24 इंटू 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल 24 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस जो है आप इसको जो है इस तरह से भी निकाल सकते थे, अगर जो है इसको ज्वाइन किए तो ये दो ट्रायंगल में बना, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल कर जो है आप ऐड कर सकते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है, इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है इसलिए हम केवल आपको फार्मूला बता देते हैं और उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन वाई वन और बी का अगर एक्स टू वाई टू है और C का X3 Y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू देखिए 1 बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री
प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो इसी में बैठा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा एबीसी। केवल इस फॉर्मूले में आपको बैठा देना और कुछ नहीं करना। और इसी तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं जैसे इस इक्वेशन की बात की है, तो ये ए बी सी में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री में रख के एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। इसी तरह इधर वाले से ए डी सी में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री में रखकर ये एरिया ऑफ ए डी सी आएगा। फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। क्योंकि रोम्बस है तब तो फार्मूला आप जानते हैं, अगर सिंपल क्वाड्रिलेटरल देता तो आप फार्मूला नहीं जानते कोई भी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके ही बनाना पड़ता, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल कर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, लेकिन इस बार हटाया है, कुछ जो है डिलीट किया है आपको जो है लॉकडाउन के चलते, तो इसको लेकिन फार्मूला याद रखें। कोलिनियर भी जब से हम डिस्कस कर रहे थे, कोलिनियर के लिए वहाँ आप दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता था, पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। यहाँ पे कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर जीरो आ जाए तो कोलिनियर हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ जाए तो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इससे भी आप दिखा सकते हैं, उस एरिया निकालिए, अगर एरिया जीरो आ गया तो कहेंगे देयर फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। कभी कभी दे देता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो ले लेंगे और उस वैल्यू में बैठा देंगे तो अपने आप के आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपको एक्सरसाइज अपने से ट्राई कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको एक्सरसाइज 7.3 नहीं बताएंगे, उसको आप अपने से कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो पूछेंगे। वैसे इस बार बोर्ड के लिए इसको डिलीट किया है। ठीक है, ओके।